नमस्कार, मैं उमरारी नारंग और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। आज हम बात करवाएंगे आपकी तरक्की जी 99 मार्केट साल 9 मार्केट साल अनेकों प्रकार के यहाँ सामान मिलते हैं। मेरे साथ है 99 मार्केट की तरनप्रीत जी। आज हिसार की मार्केट में, हरियाणा में, देश में आपका एक नाम है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कितनी मेहनत है, कितना इसका इतिहास है? बिल्कुल सर, देखो किसी भी फर्म को, किसी भी एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए मेहनत बहुत लगती है। अगर आज हम आप यहाँ आए हैं और आपको पहले से इस चीज के बारे में पता है, तो कुछ ना कुछ तो हमने भी कमाया है ना, कुछ ना कुछ तो हमने भी मेहनत की है। इस बिजनेस को इधर तक लाने में वाकई ही काफी मेहनत लगी भी है और कस्टमर को हमने सेटिस्फाई भी किया है, तभी आज कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं। इस मंदी के दौर में जब सब तरफ सुनसान है, बड़े बड़े देशों की मार्केट में लोग हैं ही नहीं, कोई नजर ही नहीं आता, आपकी बाहर लाइन अभी भी लगी हुई है, इसके बारे में क्या कहना? सर देखो क्या है, अभी भी हमारी मार्केट में मंदी है, वो चीज मान रहे हैं। इसीलिए ही एक ये कंसेप्ट है कि आपको हर चीज जो बाहर 200, 300, 500 तक की चीजें मिल रही हैं, वो हम आपको 99 में दे रहे हैं। तो यही है ना कि अगर हम लोगों को अभी उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 99 मार्केट की ब्रांच देश के अन्य शहरों में भी आप फैला रहे हैं, कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे कॉन्सेप्ट चल रहा है? सर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चल रहा है, पब्लिक का रिस्पांस बहुत बहुत अच्छा है और हम ऑलमोस्ट हमारा पूरा इंडिया कवर हो चुका है, मतलब एरिया जितना भी है हर जगह पे एक ब्रांच है, अराउंड 25 किलोमीटर के दायरे में एक ब्रांच हमारी है। बाकी और भी अभी आ रही हैं धीरे धीरे, जो भी मतलब हमसे कॉन्टेक्ट कर रहा है, जिनके जगह पे अभी ब्रांच नहीं खुली है, वो अभी हमारे पास आते हैं। तो क्या चार्जिंग रखा हुआ है, क्या फीस रखते हैं आप एक फ्रेंचाइजी को, फ्रेंचाइजी देने के लिए? सर कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है कि हम 4-5 लाख रुपए सिर्फ हमारे एक नाम को देने में लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता है कोई हमारे पास अगर बिजनेस करने के लिए आ रहा है तो वो भी कुछ मार्जिन उसे भी चाहिए, कुछ मार्जिन वो भी कमाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे में क्या, हमारा कंसेप्ट क्या है, आप 5 लाख के अराउंड सामान लेंगे हमसे, 5-10 लाख जितना भी आप कर सकते हैं, 5 लाख में हमारी एक फ्रेंचाइजी बिल्ड हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है, आपको सामान प्रोवाइड करवाया जाता है, सिर्फ सामान की कॉस्ट लगती है, अदरवाइज और कोई अदर कॉस्ट नहीं रहेगी। जो सामान आप उनको देते हैं उतना ही पैसा लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो होलसेल में वो आपसे ही क्यों परचेज करे? सबसे बड़ी बात हमसे परचेज करने का कारण हमारी क्वालिटी। क्या होता है, अगर आपको एक बिजनेस स्टेबल करना है तो उस चीज में आपको एक अपना क्वालिटी सबसे बड़ी चीज है। अगर हम 99 में दे रहे हैं और अगर उसकी क्वालिटी ही डाउन है तो कस्टमर क्यों खरीदेगा, ठीक है। हम उस चीज की क्वालिटी दे रहे हैं आपको, क्वालिटी की आप जब बाहर कंपेयर करेंगे तो वो आपको वही सेम चीज आपको मार्केट में 400-500 के आसपास मिल रही है, ठीक है, वही हम आपको 99 में सेल करने के लिए दे रहे हैं। तो ऑफ कोर्स है कस्टमर आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो 99% का देने के बाद में आप फ्रेंचाइजी को कितना मार्जिन देते हैं, कितना वो जो फ्रेंचाइजी होती है उसको हम 99 में नहीं देते हैं, उनको सेल करना होता है 99 में। हमारे ये तरफ से उनको 75 एवरेज रहता है। 75 एवरेज मतलब कि 60 रुपए से लगा लो हमारे पास स्टार्ट है तो 80 लास्ट होता है, वो भी कुछ एक आइटम होती है, जो एवरेज बैठता है वो 75 ही रहेगा, 75 से ऊपर एवरेज नहीं जाता, इससे नीचे ही एवरेज रहता है। करंटली जी एक बात है, ये जो फ्रेंचाइजी है आपसे सामान खरीद लेता है और उसका सामान नहीं बिकता तो उसके साथ क्या होता है? देखो अपने इंडिया में हर जगह अलग एक ट्रेडिशन है, अलग सबकी चॉइस है, हर जगह पे अलग तरह का टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आप हर चीज लेके जाते हो, मतलब अपनी पूरी वैरायटी कंप्लीट करते हो, तो उसमें से एक आधी चीज नॉर्मल है कि जो नहीं चलती आपके एरिया में, वो हम भी समझते हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो भी सामान नहीं बिक रहा है वो आप रिटर्न कर सकते हो हमें, ठीक है, उसके बदले में हम आपको सामान दे देंगे, वो हम हमारी तरफ आप वापस कर सकते हैं और उसके बदले में आपको सामान प्रोवाइड हो जाएगा। एक फ्रेंचाइजी की आप
अन्य किस प्रकार से हेल्प करते हैं? देखो सर, क्या होगा जो हमारी फ्रेंचाइजी है तो उसको स्टार्ट करने में, देखो अगर हमारे पास कोई नया बंदा आ रहा है, ऑफ कोर्स है वो पहले इस बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, उस बिजनेस के बारे में उसे नहीं पता, तो उस केस में क्या होगा, जो फ्रेंचाइजी जाएगी तब यहाँ से एक डिस्प्ले के लिए बंदा जाएगा जी, जो वहाँ पे उनकी सारी डिस्प्ले सेट करके आएगा और 2 से 3 दिन के लिए उनके पास रहेगा, उनको हर चीज समझाएगा, पूरा कंसेप्ट उन्हें बता के आएगा कि कस्टमर को कैसे डील करना है, कस्टमर्स को सामान कैसे दिखाना है और कौन सा सामान कहाँ रखना है, सब उसकी हेडेक है, ठीक है। बाकी हम उनको अदर कोई और हेल्प होती है, जैसे पैम्पलेट वगैरह है वो हमारी तरफ से रहते हैं, ठीक है, और बोर्ड वगैरह है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं, क्लिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे भी कस्टमर की जो भी हेल्प रहती है वो हमसे डिस्कस करते हैं, तो हम उनकी वो हेल्प करते हैं जहाँ तक हम कर सकते हैं। आज 99 के नाम से हर जगह शॉप है, हर जगह काम हो रहा है, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, एक होता है कि जब हमारा बिजनेस ग्रो करता है जी, उसको देखने के बाद हर कोई कहता है कि हमें भी ऐसा बिजनेस करना है, ठीक है। तो मार्केट में इस टाइम पे काफी ऐसे शॉप्स हैं, कह सकते हैं, जो होलसेलिंग कर रहे हैं, बट हमसे ही क्यों नहीं, उसका एक कारण है। सबसे बड़ी बात, हमें ये एक ऐसी जगह, मतलब ये हमारी एक ऐसी फर्म है जो सबसे फर्स्ट थी, मतलब जो 99 कंसेप्ट था वो सबसे फर्स्ट हमने ही स्टार्ट किया था, तो अगर अभी तक हम मार्केट में हैं तो इट मीन्स हम कुछ उनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा रहे हैं या फिर हम उनको कुछ अच्छा प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। उस केस में क्या होगा, अगर मतलब आप कंपेयर करोगे, हम अभी भी कहते हैं आप हमारे पास आ रहे हो बिजनेस से रिलेटेड बात करने, तो आप पहले कंपेयर करो, ठीक है। जब आप कंपेयर करोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम दूसरों से अलग क्यों हैं, हमारे पास क्या चीज, कौन से प्रोडक्ट्स अलग हैं लोगों से, क्या क्वालिटी अलग है, वो सब चीजें आपको जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। देश की जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस टाइम पे हमारी जो मार्केट है उसमें काफी कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी फर्म स्टार्ट कर सके, ठीक है। छोटी एक ऐसा कंसेप्ट है कि छोटी इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा धमाका कह सकते हैं कि हम छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाए, बहुत अच्छा मार्जिन लें, तो ये एक सबसे अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप किसी छोटी इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा बिजनेस स्टेबल करना चाहते हो तो जल्दी आइए, नया बिजनेस स्टार्ट कीजिए, हमसे जुड़िए। ये थी तरनप्रीत जी 99 मार्केट हिसार से। सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको।